प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग अंतिम दौर दो के ही अंतर्गत कुछ बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। आइए बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर की ओर एक नजर डालते हैं। आइए पहला प्रश्न। प्रथम विश्व युद्ध के समय दो दलों में कौन विभाजित हो गई थी? भाजपा, इनेलो, कांग्रेस, बसपा। सही उत्तर होगा कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई थी। अगला प्रश्न। प्रथम विश्व युद्ध के समय कांग्रेस कौन से दो दलों में विभाजित हो गई थी? हिंदू मुसलमान, अमीर गरीब, किसान जमींदार, गरम नरम। सही उत्तर होगा गरम नरम दो दलों में विभाजित हो गई थी। अगला प्रश्न। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मार्शल लॉ कानून कहां पर लागू किया गया था? पंजाब, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र। सही उत्तर होगा पंजाब में। अगला प्रश्न। ब्रिटिश शासन के अधीन सबसे प्रबल एहसास था भय। इस भय के खिलाफ गांधी जी की कौन सी शांत किंतु दृढ़ आवाज उठी? खुश रहो, बैर छोड़ो, डरो मत, जश्न मनाओ। सही उत्तर होगा डरो मत। अगला प्रश्न। गांधी जी की शिक्षा का सार क्या था? निर्भयता, सत्य, कर्म, उपर्युक्त, सभी। सही उत्तर होगा उपर्युक्त, सभी। अगला प्रश्न। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात बुद्धिजीवी एवं मध्य वर्ग के लोगों की दशा कैसी हो गई थी? वे सर्वव्यापी उदासी में डूबे हुए थे, वे हमेशा खुश रहते थे, वे कोई कार्य नहीं करते थे, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा वे सर्वव्यापी उदासी में डूबे हुए थे। आइए अगले प्रश्न की ओर। कांग्रेस को लोकतांत्रिक संगठन किसने बनाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अंग्रेजों ने, राजा राममोहन राय। सही उत्तर होगा महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न। गांधी जी के कांग्रेस में प्रवेश होने से कांग्रेस का चरित्र कैसा लगने लगा था? मध्य वर्गीय चरित्र, निम्न वर्गीय चरित्र, उच्च वर्गीय चरित्र, खेतीहर चरित्र। सही उत्तर होगा खेतीहर चरित्र। आइए अगले प्रश्न की ओर। गांधी जी की सक्रियता का आधार क्या थे? आलोचनात्मक पद्धति, हिंसक पद्धति, शांतिपूर्ण पद्धति, तुलनात्मक पद्धति। सही उत्तर होगा शांतिपूर्ण पद्धति। अगला प्रश्न। गांधी जी ने किस पद्धति की विशेष रूप से निंदा की थी? आलोचनात्मक पद्धति, हिंसक पद्धति, शांतिपूर्ण पद्धति, तुलनात्मक पद्धति। सही उत्तर होगा हिंसक पद्धति। धन्यवाद बच्चों, खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और आप लोग आगे की ओर बढ़ते रहिए।